जेवले तूने रे श्याम की तो नगर नारी जन्म सदा है बड़े प्रेम और बड़े भाव बनिया हर कटरे सारणी याने जन्म लियो रे सिद्ध सिद्ध कलिया नाटी मोटी दाम जी गटरे सारणी याने जन्म लियो रे ठाकर कांसिंग जी नकद ना न करे नकद तने नौकरी करनी कटे जरूरत है बेटा आपर करे जनो गणो उठा रुपी जागा गणी बाकी बेटा तने नौकरी करने जरूरत कोनी हालो बेटा ढाणी हाला तो ठाकर कांसिंग जी नकद ना ने नौकरी छोड़ा अपना आपरे ढाणी ले जे गांव चांदनी वाले और इने गांव रे मायने गैंग चले करती और बे गैंग रा मिस्टर का के जबरजी करया काके जबरजी नखत ने कह रहे नखत तू पंडुड़ो है अरे गैंग रा मिस्टूल जाले अवे जिक्र अटे हाजिर लिख वो क्रिया कर ओ गेडी मार दिया कर तो बीच गा बे गैंग रा मिस्टूल नखत बना जाले और गैंग वाले हाजिर लिखे और इन्हें ठाकर कांसिंग जी नखत नारी सगाई करे की जगह फलोदी तहसील सीधा गांव रे मायने नकद नारी सगाई करी है तो बीज का नकद ना आपे जी सन के जी सा मारे सगाई करने जरूरत कोनी ब्याह करने जरूरत कोनी है मने दादो हेला करे और मने दादो रेण दे कोनी तो ठाकर कह रे नकद थारा बुड्ढा माईते हर तू मोटियार जवान बेटो है एड़ी बाता करे तने ठाया मारो काल जो मई लोड़ा खावे तो बीज का नकद ना के जी सा मने दादो हेला करे मने दादो रेण दे कोनी और मने जानो पड़ी तो बीज का नकद ना दी माँ और दादी केरे नकद एड़ी बात मत करिया कर भाई आप इन्हें नकद ना रहे मिशु लड़ा और हाजिरी लिखे तो गांव वाला गैंग मत काम कर कितो करे सब नहीं ठाए कई आवे कोनी अरे कई आवे तो ही कमर जी मारो गेडियो मार दिया मैं गौत्रे जावा और कई अपना चिलम भरपणी जाल से बैठे उठे कोनी दो दो घंटाई नकद ना कह रे भाई अकरी खाया करो आराम री क्या खाओ रे भाई तो अभी जगह पे गैंगरा मिशुल नकद ना पाछा आपरे काको जी ने जलावे बोले काको सा माने भगवान ने करे जानो है दो दिन जीनो है और परमात्मा को काम करनो है और कूड़ कपड़ो काम माऊ वे नहीं ए मिशुल थई जालो अब नकद ना गैंगरा मिशुल काके जवरजी ने जलावे तो इने फागण रो महीनो होली दिन नेड़ा नकद ना मन में विचार कर रे साथीड़ा सागे कबड़ी पालो रम रहा तो नकद ना किसी प्रकार आप रे ढाणी गांव चांदनी वाले आवे नकद ना रे ढाणी एक कुछ अलगी पड़िया करती गांव चांदनी वाले तो किसी प्रकार आधी रात रा आवे और किसी प्रकार आप रे साइना ने हेलो करे और किसी प्रकार कबड़ी पालो मांडे कबड़ी पालो रमे कहीं बता बन जावे हरे उठो ने साथी नर पीरा कबड्डी मां
नकद बना गांव सनणी वाले जावे और आपरे बेले ने हेलो करे बोले भाई सुता कहीं उठो कबड्डी पालो मांडो और कबड्डी पालो रमा तो किसी प्रकार अथुणा अगुणा पाला मांडिया है और नकदना आपरे जाणा सके कबड्डी पालो रमियो और रमता रमता ये आपरे जाणा ने कह रे भाई ई शरीर रो कई ठाए कणा ठोकर लागे हास निकले तो साइना नकदना नगे कंवर जी ना ताने तावे ना तपे ना गोबो है तो एडी ओळ पचोळ बातें क्या करो अभी जगह नकदना कबड्डी पाळो रंपणा पाछा आपरा डाणी आवे और डाणी रे माई नकदना री मां काके जवर जी ठाकर कान सिंह जी और दादी आते ही लागुड़ा और नकदना हार आपरी मान के मां हालते सुता कोनी बोले नकद तने अडीता अडीता तम लागिया तो बीच का नकदना आपरी मनरी बात आपरी मान के बोले मां मने दादो हेलो करे मां और मने दादो रहूं दे कोनी और मने जानो पड़ी मरी तो बीच का नकद मारी मां के रे नकद भले तू एडी बाता कण लागियो एडी बाता मत करिया कर हम बतना नकदना डाणी रमाई ने सुता और आधी रात रा नकदना रो एडो पेट दुख्यो के पूरो शरीर टूटन लागियो और काके जवर जी खनैया काके जबर जी कह रहे नकद ज्यादा गड़बड़ है तो बेजी ने बुला लियो तो भी जगह नकद ना के काकोसा बेजी ने बुलाने की जरूरत कोनी है मने दादो हिला करे मने दादो रहन दे कोनी और मने दादे कने जानो पड़ी क्या काकोसा ई कलजुग रे मायने मिनका आपरे किरी छोड़ दी और मिनका किरी छोड़ी तो नागा यहां आपरे किरी छोड़ दी कालियो नाग माचे को चढ़तो नी आ छत चढ़न लागियो और नकदना आपे काको सा देखो कनी कालिया नाग बांडी पल्ला आकाश आकाश रमाई ने उड़े हणे आने बारिया कर लो तो नकदना भक्त आपर दोनों आदु सा क्रिया है और नकदना नो मान लो हंसलो उठ गयो विक्रम संवत 2029 रे मई नकदना आपो शरीर छोड़ जो भक्त तो अभी ने ठाकर कांसिंह जी जरा जरा आंखें रमाई आंसू पड़े और किसी प्रकार दादी ठाकर कांसिंह जी काके जवर जी बहन सुधा और नकदना री मां जरा जरा आंखें में आंसू पड़े और किसी प्रकार नकदना ने हेलो करे कई बातें बने अरे उठी उठी ने उठी जाने मारा नकदी लड़े सर ठाकर कान जी हिला मारे नैनिया में नीर डड़े आवे कोई के महाराज बिदाम को खावानी महाराज के 800 किलो लाई जे ना खाई जे ने मा पीजे भाई लाई तो खाई कोई के महाराज केला छोड़ दा ए 45 किलो है अरे कोई के महाराज जर्दो के तांसे ए तो अब अपरो नेम जालियो एक भाईराम आगे बैठो मारे कण भाई आल जी महाराज पूछ रे थारे काय मुज नहीं है भाई खासा दिनों लागी बोले महाराज मैं नेम जालू
बोले कई नेम है तारो। बोले महाराज मारो नेम भारी है, महाराज के हेज को बता। बोले महाराज मारो नेम हो है मारे घर रे मायने धनी लुगेर बिचे कले घणी हुई और नित्री कले हुए और मैं तो नेम हो जालू के रोज रा लुगेर दो थापड़ो ने नेम जालू। अबे बटे महाराज रा डोडा उतरे महाराज करे मूर्ख आदमी एड़ो कोई नेम है अरे एड़ो नेम तने जलाऊं कोई गांव रे मायने कोई आवण ने नहीं भाई। अबे महाराज रो सोलियो भड़न लागियो और बोले महाराज नेम जालू तो ही जालू कोई कच्चो जाले रो पक्को जालू महाराज तोड़ू नहीं। महाराज के भाई मूर्ख आदमी कोण हमदा जाले भाई राम नेम जालियो घरे आवे कोई काम पूरो नहीं दिखे तो बोणी बटा थापो मु कई करे। अब ये करता करता मेणो भर बीतियो है आर लुगी चौकी दाबकी दापी नित्रा फटी डटू खावे। अब आ लुगी एक दिन पे पाड़ सुने बांडे आकर निकली तो एक भाई भी भाई ने पूछे भाई कई बात है पहला शरीर की डंगरी हमें हपाई थकगी कई रोग लग लग। बोले कई बताऊं मारे पति देव रो नेम जालुड़ हर नेम है कई मने ठा नहीं। बोले आपरे पति देव रो नेम जल्द जग मने ठा है और मामे बीतुड़ी। बोले काई एक काम करो आपरा पति देव घरे आवे नहीं तो काम एकदम कपली राखो रेडी क्या कोई बहानो मिले को नहीं और मने पूरो पे में बिना बांधे थाने ठोके नहीं हमें बापड़ी घरे आवे और बाप बताओ जी करे श्याम जी टाइम बिरो मोटे और काम आटो घरे आवे कम टाइम दाढ़ी बड़पणो और बाखल में पड़े कोनी जिते पानी रो लोटो त्यार साई रो के कोनी साई त्यार। बाहरा मनो विचार करे रे आ गंगा उल्टी बे क्या कोई बानो मिले को नहीं बिना बने ठोके किया। अब इस गा भी बाहराम रो 20 दिन भोजन बनायो हदा पापड़ री सब्जी करे बाकी 20 दिन सेव टमाटर मटर पनीर दाल री सब्जी कई व्यंजन बनाया है। लो करे धरणीर पापा आपरो भोजन लगा दियो जीव धरणीर पापा जीवे कवो लेवे बाकी कवो गळो नीचे नहीं उतरे। मन में एक विचार ओ नेम गंडी दुई रे ओ नेम गंडी दुई बड़े महाराज एड़ा आवे केड़ा नेम जलावे। अब चौकी तारा सही रात की भैराम रो माचो डाल्यो बाकर मामा हेलो करे धरणी पापा आपरा बिसावणा कर दियो सुओ। अब धरणी पापा सुतो है चौकी तारा सही रात की तारा पल प्लाट करे आसमान रे मायने और तारा रे दिसर को तुरंत एक रॉकेट निकली और भी रॉकेट रो धुओं और भी धुएं देख जोर हेलो करे। बोले धरणी री मां ए धरणी री मां हम डरती आई। बोले काई को बोले तारा विषय लकीर करी हमें भाई बेटी होशियार नहीं बताऊं तो भले दे ले क्या बानो मिल गई। बोले पतिदेव से बोला गण ए जिका कमरा कमरे मरिया नहीं जिका नमकरा कटा डोए। अबे 15 दिन रे मोज रे अमूज नहीं उठ पड़ो तो थापारी चार मुकारी 20 लातारी देली। बोले एम मारो काई कसूर है के तने ठा कोनी ए ऊपर कर कटा डोए अरे मारो माचो अरे नीचे लगायो है भाई चास की थाकलियों के कटो छूट जे मार मार माती आवे तो मारो पैकेट बोले नहीं बोले तो इया कर दो चार और दे ली। एडो ही कोई नेम लेउडो है तो आज बात पे नेम तोड़या ना क्या नेम तोड़ो जी को पाप रो भागी ये करे नेम ही नहीं है बनारी जे है दादी जे है तन मनु बोलो तो बना बेड़ो पार कर। जबले नकद मना की गुणे ने श्याम की जे हो नेम गुणो ताल से हम किसी प्रकार भक्ता विक्रम समत 2029 रे माई नकद ना अपरो शरीर छोड़े और इने ठाकर कांसी जी दादी बेन सुगना काके जवर जी और नकद नारी मां जरा जरा आंखियां मैंने आंसू पड़े और नकद ना ने याद करे और ठाकर कांसी जी दादे माथे क्रोध करियो। बोले जारे दादा 50 साल नाडी री सेवा करी और सेवा रो फल दियो है मारो मोटी और जवान बेटा दो देनी खत्म हो गयो जारे दादा हम थारे नाडी माती नहीं आओ। तो भक्ता ठाकर कांसी जी दादे माते क्रोध करियो है और इन्हें 5 साल बीत गया और नाडी रो मेलो आवे तो ठाकर कांसी जी नाडी नहीं जावे और 5 साल बाद नकदना परसा देवना चालू कर दिया। भक्ता नकदना पेलो परसो आपरे ढाणी अगुणी देवाशहरी ढाणी लादू जी लायका पीर किन्यारे 3 सालो भक्ता पेट दुखे और कोई उपाय नहीं लागी। तो अभी जगह नकदना एक टिंगरे मुंडे बोल के रे देवासी मारे नाम री तांती बांधी अरे त्यार हुए तो मारे ढाणी लारे बॉडी है और भी बॉडी जड़ा में चटाओ कर दी भाई। तो अभी जगह देवासी के बाप जी थे कुण बोलो तो बीज का नकद ना करे मैं ठाकर कांसी रो बेटो नकद मारो नामे बीरा
किसी प्रकार भक्ता वो देवासी नगत नारो नाम ले रहे सात घंटा लगा रही किन्नर ताती बांधे है भक्ता तो नगत ना किसो परसो दे के आधी घंटे रमाई ने किन्नर जिदो रोयो और जिदो रोज उल्टी हुई और उल्टी हगे नगत ना जलंधर नाग पेट उबारे निकालियो जवलन नगत सिद्धवाना की ढूंढे रे श्याम की। अब वो देवासी ठाकर कांसी ने घरे आवे ढाणी और ढाणी लार बा बॉडी और भी बॉडी जड़ाओ चढ़ाओ करे तो बीच का ठाकर कांसी जी बाढ़ साहब दा हाथ में बई और देवासी ने देख बोले भाई कौन है तू बोले ठाकरा में बोले कहीं करे बोले चढ़ो बोले गिरो बोले नखत बना रो तो भक्ता ठाकर कांसी जी नखत बनाने 10 साल मान्या कोनी ठाकर कांसी जी करे मारी बॉडी मने पूरो बे में तो अटू बाट ले जाए तो बीच का ठाकर कांसी जी हाथ में बई और बा बई लेर लारे उड़िया और बो देवासी धोरे जाट थियो और धोरे माती नखत मान के बाप जी धोरे माती चढ़ो करू मान लिया भक्तरा हासा भाव वे तो नखत ना भक्ता धोरे माती चढ़ो मान ले बाबी ने नाडी रो मेलो आयो और ठाकर कांसी जी नाडी नहीं जावे तो गांव वाला मने विचार करियो रे ठाकर कांसी जी दादे रे पीड़िया रे मैंने पोता है ए हालपना आप रे हाथ दो टाइम अगरबत्ती नहीं करे तो अच्छी बात नहीं है हेलो हेलो ठाकरा ने मनावा हमें गांव वाला 15-20 आदमी बड़ो बड़ी भेड़ा उपना ठाकर कांसी जी री ढाणी आवे और ठाकरा के ठाकरा उन्हीं ने कुन ताल सके नख तरह जावने अर्दी ना और वो गेपरो हने नाडी हालनो पड़ी आपरा हाथ दो टेन दादरी जो अगरबत्ती करनी पड़ी हम गांव वाला ठाकर कांसी जी ने मनावे ठाकरा माने तो काई छटाले दिन ठाकर कांसी जी और नख तनारी मां गाडो जोड़पणा नाडी जावे तो इने डाणी रे मायने नख तनारी दादी बेन सुगना काके जवरजी री बेटी तीन जना डांडी रे मायना और नकतनारी दादी नकतना ने जुर जुर आंखें आंधा हो गया भक्ता तो किसी प्रकार नकतना आधी रात रा ढाणी आवे और आपरी बुढ़ी दादी ने हेलो करे और किसी प्रकार आंखें री जोत और कई बात बन जावे भक्ता अरे उठो माना दादी सा नकती बुलावे
ढूंढे रे श्याम की। हम किसी प्रकार भक्ता आधी रात रा नकद ना डाणी आवे और आपरी बूढ़ी दादी ने हेलो करे, उठो मारा दादी सा नकद कमर घर आयो, नकद ना हेलो करियो है तो डोगरी उठिया है और डोगरी कह रहे भाई कौन है रे तू, तो बीज का नकद मना आपरी दादी के दादी थे मने भूल गया हूं तारो नकद आयो, तो बीज का डोगरी कह रहे भाई नकद जेड़ा पोता कटे भाई तो नकद ना दो तीन आवाज दी है और डोगरी आवाज ओळखी और डोगरी कह रहे मने दिखे कोनी, तो बीज का नकद ना के दादी उठो हूं तारो नकद आयो, आप रे हाथू पिलोनो करो और फुरको करो, तो हाथूनियो आदमी पिलोने ने फुरको किया करे भक्ता, तो किसी प्रकार डोगरी के मने दिखे कौन जो नकद ना के दादी मैं बताऊं जिया करो, आप आगे जाओ और आगे एक ऑटो है, ऑटो नीचे चाडो है और वो चाडो निकलो और चोखो आप रे आपरी बिलोनो करो दादी आज मैं आपरी हाथरी छाछ गिर जाऊं, किसी प्रकार भक्ता डोगरी पगाओ हिरता हिरता ओडे कने आवे और ओडे चाडो निकले और डोगरी बिलोनो करियो है भक्ता, तो बिलोने रा दो तीन छांटा दादी रा आंखिया माते लागिया है और दादी बे छांटा ओडनियो पूछिया तो दादी रे अंदर गेबरो चानो आगे जे बोले नकसिद बना की ढूंढे रे श्याम की, तो बीच का डोगरी छांटा पूछ बना और इन्हें जाके तो बटे नकद ना अलोप हुए और हेलो यो बोले दादी धानीदारे बॉडी है और बॉडी जड़ा हुबे थे रेत लगा लिया हने नाम चार गुना थाने हुबे बेसी दी थी, तो अब इन्हें बकाउट हो यो है और ठाकर कान सिंह जी और नकद नारी माँ नाटी रे मेले पछा आवे सातम वाले दिन, तो ठाकर कान सिंह जी ने आवता डोगरी देखी है तो डोगरी हम ही जोड़नी चालू है, ठाकर कांसी जी कह रहे ये डोगरी ने की दिखे कोनी ने कुओ खुलो है या तो इतवेर मायने पड़ी या तो मारे ऊंट वे पकनी चाहे, तो ठाकर कांसी जी आपरे मान के मां होले वे कनी, तो बीज का डोगरी कह रहे मैं किसो आंधी हूं, ठाकर कांसी जी के दोनों उल्टू एक आगे भ्यूजे बड़ा आंधी किया होई, तो बीज का डोगरी कह रात नकद आयो मना क्या देखियो, तो ठाकर कांसी जी के खबरदार है नकद रो नाम ले लियो, तो अर मां बुड्ढे बारे क्या बकोल करे आखिर आड़ा जाल आवड़ा पसीनो आयो जने पे जाल आगा आ गया तने दिखन लागियो और तने नकद परतो दियो कटे नकद है अरे बुड्ढे बारे क्या बकोल करे मां, तो बीज का डोगरी कह रे कांसी मांजा नकद ही कल दुगरे मायने सिद्धि पुरुष देवता है परसा भारी है मने परसो दियो आखिर जोत दई, तो भक्ता ठाकर कांसी जी नहीं माने कोई ठाकर कांसी जी नहीं माने और नकद नारी सगी करी सीधा गांव रे माई नकद नारिया कोनी, तो छोटे भाई ने पढ़नाया तो बीज गा किसी प्रकार ठाकर कांसी जी आपरी बिंदनी ने लावण वास्ते सीधा गांव जावे भक्ता, तो नकद ना आपरे पिताजी ने केसो परसो दे मन रो भ्रम मिटावे के ठाकर कांसी जी आपरे गांव सीधा गांव जावे बी बिंदनी ने लावण वास्ते, तो भक्ता बी बिंदनी ने एड़ो बुखार सगियो बुखार कुपली मचडियो अरे दूधणी खत्म होगी, तो ठाकर कांसी जी आप रे गनाई तरह डानी जावे और रोला गुको होनियो जार पुसे माल का कई बात हुई बोले ठाकरा आप रे घरे मारा आ छोरी देवड़ी और इन्हें एड़ो बुखार चढ़ियो बुखार कुपली में चढ़ियो और आदू देनी खत्म होगी, हम ठाकर कांसी जी आंगने रे मायने आवे और भी बिंदनी नी दशा देखे और दादे माते भले क्रोध करियो बोले जारे दादा 50 साल नाडी की सेवा करी जन मारो मोटियार जवान बेटो खत्म होयो और रात ही नाडी माता आयो और आओ तो मां बेर काट लियो आ बिंदनी दू देने खत्म होगी, जारे दादा हमेशा एक पूरो गांव आवे तो नाडी नहीं आऊं, ठाकर कांसी जी ने रीस आई हर मन में विचार करे दुनिया के नकद पर्चा दे तो आज नकद रो ठाक करो, तो किसी प्रकार ठाकर कांसी जी आप रे सब लीली फाड़ पना और भी लीली के साथ गंठा लगार भक्ता भी बेंदनी ने तांती बांधे आखिर मैंने जरा जरा आंसू बड़े और किसी प्रकार नकद ना नहीं याद करे कई बात बन जावे आए जर जर नीरे I'm
जिता भी विराजमान है तनु जेकार लगाया जबले नकद मना की ढूंढे रे श्याम की तो भक्ता नकद मना आप रे पिताजी ने कैसे ऊपर सो दे मनो भरम मिटावे कभी बीन भी रे ठाकर कांसी जी मन में विचार करियो रे दुनिया के नकद परसा दे आज घर गुरु कहां पड़ियो नकद रो ठा तो करो अबे किसी प्रकार ठाकर कांसी जी आप रे सापे लीरी फाट पड़ा आर भी बीनरी ने भक्ता तांती बांधी है हाथ गांठा लगा तो नकद ना कैसे परसो दे आर भी बीनरी ने जान बचावे ठाकर कांसी जी रो मन रो भरम मिटावे के आधी घंटा ना मायने भी बीनरी ने हां साउंड लागो आर गुंगटो काट पड़ी झोंपड़े रे मायने बड़ गड़ जबले नकद सिद्धवाना की हुने रे श्याम की अभी ने ठाकर कांसी जी मन में विचार करियो रे क्या पे दादेरा वचन उड़ाए के पीढ़ी रमाइने चौथी पीढ़ी रमाइने सिद्धि पुरुष रो अवतार हुई अर पितृ भूमि कोवे नी पूछना करावा आखा दिखावा विधि विधानो मिंदर बनावा तो बीज का नकद ना के पिताजी थे तो मानो कौन भर तो कल डाउन रहेगी तो बीज का ठाकर कांसी जी भले नहीं माने थोड़ो बहुत विश्वास हो बाकी थोड़ो गुणो यो नहीं तो ठाकर कांसी जी सीधा गांव आपरे गांव आवे है पाछा सरणी वाले और इने नकद नारी मां और दादी डाणी लारे बॉडी आर भी बॉडी जड़ो भक्ता किसी प्रकार दो इंटा मेल पणी काचे गोबरू नकद नारो स्थान थर पे ठाकर कांसी जी आदी करे काई करो रटे बोले नकद रो स्थान थर पा तो भक्ता ठाकर कांसी जी ने रीस आई और एक मुक्कियो बे दो इंटा खिंडा दी भक्ता के हाल देखी ने पूछना करे कोने आका दिखाया कोनी मर्द बतायो कोनी थे अणे उबागड़ी लागी रुकवाल पूछना करावा मर्द दिखावा आका बतावा वीर वाद विधि विधान मूर्ति स्थापना करा मंदिर बनावा भेज को अणे लागी तो भक्ता ठाकर कांसी जी आपरे ढणीर बार कर आका वार पणा आर पाछा सीधा गांव जावे लोअर की गांव रा सक्तो जी नई शैन भगत सीधा गांव रिया करता आर भक्ता सीधा देरो धूपियो करता तो ठाकर कांसी जी पास सीधा गांव जावे और इने सक्तो जी नाई आपरे ढाणीर बार में बाढ़ साड़ता ठाकरा ने आंता देखिया है तो राम रमी करी है बोले ठाकरा आज थियारो आणो बोले सक्तो जी माने पूछना करानी है आखा दिखाना तो अभी जगा सक्तो जी नाई के ठाकरा ढाणीर माने मारे छोटियो भाई है वो अने थारे आखा देख ले तो किसी प्रकार सक्तो जी रो भाई मगरेम साणा चुप लार भक्ता आर दो मिनकली गाल किसी प्रकार जोत करी है तो जोत करी ते एडो बढ़ता रो बढ़ती जो के दोबा बरबर रेत फेंकन ला गया ठाकर कांसी जी रा सापार धोती सगला रेतों बढ़ दिया तो बीज का ठाकर कांसी जी की चिता ने कम मान्या करता आर ठाकरा कह रहे मारे नाम ज्यादा तो इतनी बीमारी मोटी कि आनी ना की जानी हाँ होना लाइर जिंदा घोषा दिया ठाकर कांसी जी ने रीस आवे आर बटू इसी प्रकार कपड़ा झड़का पड़ा रवाना होने लागे तो सक्तो जी के ठाकरा आखा दिखा दिया तो बीज का ठाकर कांसी जी के सक्तो जी थी बात बोली करो की आनी ना की जानी हाँ होना थारे छोटी भाई जिंदा घोषा दिया अभी जगा ठाकर कांसी जी बटू रवाना होने लागे तो सक्तो जी नाई के ठाकरा यात्रा दा तेरा कई वचन नहीं कि चौथी पीढ़ी रे मायने एक सिद्धि पुरुष रो अवतार हुई आर बे सिद्धि पुरुष ए नकद बनाए मानो तो मर्जी थारी है नहीं तो ए नाम नकद बनाए मोटा मोटा ने मना ले क्या सुनाओ सी नाग ने अलग है और बीच का ठाकर कांसी जी के सक्तो जी बात तो आती है पांचवा दिन नेड़े नेड़े गांव वाला धोक मारने आवे और मनी एक नकद परसो दियो बेनरी दी जान बचाई और मनी बेम हुए तो बीच गा सक्तो जी के ठाकरा अलग गांव सामने वाले नकद नारो मंदिर बनावा धूमधाम मूर्ति स्थापना करा तो किसी प्रकार ठाकर कांस जी हेलो 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 लेट हेलो हेलो ठाकर कांसी जी और सक्तो जी नाई सीधा गांव आवे सरनियाले और किसी प्रकार विधि विधानो मिंदर बनावे मूर्ति स्थापना करे आ बनारी जन्म कथा गुरुदेव हिताराम जी और भेगाराम जी बनारी जन्म कथा गाई और किसी प्रकार गाई है हरे पांच मनोन मिली और लागो राज हलन मिले पांच मनोन मिलो लागो राज हलन मिले
गुरुदेव हितराम जी और भिखाराम जी किसी प्रकार जन्म कथा गाई है के जी की टेम नखत ना देव प्रगटिया नी नया नया भी टेम ने मायने नखत ना नाम रो कोई प्रसाद को लेऊं दो मन में विचार करता रे केड़ा बना है धोखा ले ला भी टेम रे मायने हितराम जी और भिखाराम जी गांव सरनिया रे 80,000 ठाकर कांसी जी पूछ पूछ आ स्थिति बनाई ठाकर कांसी जी कह रहे भोलिया ब्राह्मण ई दोरा में क्या भियो रे भाई ई दोरा में कुन आई तो बी जगह हितराम जी और भिखाराम जी ठाकरन के ठाकरा ए नखत बना है सिद्धिपुर सवतारे परसा भारी है देख लिया थे अठे एड़ो मेड़ो लागेला हकीकत रे मायने आज मिनखारी पगर क्या को मावे नी बाकी आज भक्ता साधनी सो दे हकीकत रे मायने जार देख लो एड़ो मेड़ो है मिनखारी पगर क्या को मावे नी तो बीच का भाई वचन है और इसी प्रकार गुरुदेव हिताराम और भिखाराम जी माते पूर्ण कृपा बनारी रही है और इसी प्रकार आप बनारी जन्म कथा गाई तो एक कीर्तन मनो जयकार लगाया हाथी आस्था तन मनो जी को बनाने हाथी आस्था माने जबले में कसिन मना की ढूंढे रे श्याम की सोवा धाम की जय हो जय हो।